नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। आज हम मंदिरों की बात करेंगे। दो मंदिरों की बात होगी और उनका हमारे राष्ट्रीय नेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर क्या इम्पैक्ट रहा है। दो मंदिरों के साथ साथ दो प्रधानमंत्रियों की भी बात होगी और उसी के साथ जिक्र होगा दो अलग अलग कालखंडों का। सब जानते हैं 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। यह सेरेमनी संघ परिवार का जो पिछले 35 सालों से चला आंदोलन है बाबरी मस्जिद के जगह पर राम मंदिर बनाने का, उसमें एक बहुत मेजर वाटरशेड डेवलपमेंट होगा। ऐसे तो इतिहास का एक सर्कल पूरा हो गया जब नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन मंदिर तो अभी बनना बाकी है। क्योंकि यह आंदोलन, इसका जो कैलेंडर था, ये अक्सर हमारे राष्ट्र के पॉलिटिकल कैलेंडर के साथ सिंक्रोनाइज्ड हुआ करता है, इसीलिए ये कार्यक्रम अभी रोका नहीं जा सकता था। इसमें कोई शक नहीं है कि ये समारोह और भव्य होता अगर इस समय कोविड-19 पैंडेमिक का थ्रेट इस तरह से व्यापक नहीं होता पूरे देश भर में। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सेरेमनी में शामिल होते हैं, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं इस समय, तो इससे तय होगा कि हमारे स्टेट का भविष्य का कैरेक्टर क्या होगा। मोदी का सेरेमनी में पार्टिसिपेशन या नॉन पार्टिसिपेशन हमारे गणतंत्र का कैरेक्टर भविष्य में कैसा होगा, इसके बारे में हमको इंक्लिनेशन या आइडिया मिलेगा। वैसे तो 24 मार्च को नेशनल लॉकडाउन अनाउंस होने के कुछ ही घंटों के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए थे। वहां उन्होंने रामलला की मूर्ति, उसको पुराना मेकशिफ्ट टेंपल से हटाकर एक टेम्पररी स्ट्रक्चर में रखने की जो सेरेमनी थी, उसमें उन्होंने लीड रोल प्ले किया था। ही डिड इट बिकॉज ही वॉज होल्डिंग एन ऑफिशियल पोस्ट एंड नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ द ट्रस्ट दैट इज कंस्ट्रक्टिंग द टेम्पल। राम जन्मभूमि आंदोलन 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने फॉर्मली लॉन्च किया था। तब से लेकर जब तक आंदोलन चला, कॉन्स्टेंटली सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का एग्जाम्पल दिया जाता रहा। ये कहा जाता रहा कि अगर मंदिर का पुनर्निर्माण स्वतंत्र भारत के अर्ली ईयर्स में हो सकता था, तब अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का क्यों नहीं निर्माण हो सकता है। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार की चर्चा जब भी संघ परिवार के नेता करते आए हैं, जवाहरलाल नेहरू को हमेशा उन्होंने मेलाइन किया। कहा जाता है कि अगर सरदार पटेल ना होते तब अभी भी सोमनाथ मंदिर मंदिर नहीं बनता, बल्कि खंडर की हालत में ही पड़ा रहता और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बनकर रह जाता। ये भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने मंदिर के पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को पूरी तरह से सहमति दी थी और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने तो खुद मंदिर के इनॉग्रल सेरेमनी को प्रिसाइड किया था। फैक्ट्स को इस तरह से पेश करने के बाद नेहरू को डेनिग्रेट किया जाता है, उनको हिंदू विरोधी और मुस्लिम समर्थक के तौर पर डिपिक्ट किया जाता है। ये भी कहा गया है नेहरू पाकिस्तान के इंटरेस्ट्स के बारे में ज्यादा सोचते थे, इंडियन इंटरेस्ट्स उनके लिए मायने नहीं रखते थे।
नेहरू के साथ साथ सेक्युलरिज्म के स्पिरिट को भी रन डाउन किया जाता है। अब तो गाली जैसी हो गई है सिकुलर मतलब सिख या बीमार सिकुलर। राम जन्मभूमि आंदोलन के पहले आम हिंदुस्तानी को सोमनाथ मंदिर के नैरेटिव के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। रिकंस्ट्रक्टेड मेमोरी या पॉपुलर बिलीफ के आधार पर यह माना जाता था कि मंदिर को महमूद गजनवी ने 1026 में डिस्ट्रक्ट किया था। उसके बाद कई बार और मंदिर बनाया गया, लेकिन जैसे जैसे मुस्लिम इन्वेडर आते गए मंदिर को बार बार डिमोलिश किया गया। लोग ये जानते थे कि आजादी के बाद मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट किया गया था, बेसिक टाइमलाइन तो यही था, परंतु राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान इस टाइमलाइन को पॉलिटिकल स्पिन दिया गया था। अब सवाल ये उठता है, इश्यूज को हमको किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए और अयोध्या और सोमनाथ की कहानी कैसे डिफरेंट हैं? ये दो बहुत बड़े इश्यूज हमारे सामने हैं। द प्राइमरी डिफरेंस इन दीज टू स्टोरीज इज दैट द बाबरी मस्जिद वॉज अ फंक्शनल मॉस्क टिल डिसम्बर 1949, वाइल देर वॉज अ सेपरेट मॉस्क इन सोमनाथ विच वॉज रीलोकेटेड ड्यूरिंग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है। अपने पिछले साल के जजमेंट में उन्होंने कहा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क इन अयोध्या टुक प्लेस इन ब्रीच ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टेटस क्वो एंड एन एश्योरेंस टू द कोर्ट। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क एंड द ऑब्लिटरेशन ऑफ द इस्लामिक स्ट्रक्चर वॉज अ वायोलेशन ऑफ द रूल ऑफ द लॉ। जब भी सोमनाथ मंदिर या फिर इतिहास से जुड़ा कोई इशू हमारे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करने लगता है, तब चार एरियाज पर फोकस करना बहुत जरूरी है। पहला तो वो इवेंट जो नैरेटिव के सेंटर में है, दूसरा उस घटना के सब्सिक्वेंट पीरियड का इतिहास, तीसरी बात जिसको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है वो है हिस्टोरियोग्राफी या फिर हिस्ट्री राइटिंग की आर्ट या कला, और फाइनली रिकंस्ट्रक्टेड मेमोरी या पब्लिक अंडरस्टैंडिंग। अक्सर ये देखा गया है कि हिस्टोरियोग्राफी और रिकंस्ट्रक्टेड मेमोरी ओरिजिनल डेवलपमेंट से अलग होते हैं। हालांकि कई इमिनेंट हिस्टोरियंस महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर के प्लंडर को उनके बाकी एक्शंस के साथ कॉन्टेक्चुलाइज करते हैं, हम उस मुद्दे की बात अब नहीं करेंगे। वो बात दरअसल इतनी उलझी हुई है कि अगर उसके बारे में हम बात करने लगें तो उसी के बारे में बात होती रहेगी। कॉमन बिलीफ के हिसाब से महमूद गजनवी ने 1026 में सोमनाथ पर आक्रमण किया था और वहां जो स्थापित मूर्ति थी उसको तोड़ दी थी। तो क्या तब से लेकर 1947 तक पूरे 921 years को इस रीजन के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में हमेशा शत्रुता रही? क्या मुसलमान अपने आप को प्लंडरर या ज्यादा ताकतवर मानते थे? क्या हिंदुओं की मास कॉन्शियसनेस में प्लंडर्ड कम्युनिटी की फीलिंग बैठ गई थी? और आजादी के बाद क्या उनको ये लगने लगा कि उनको अपनी पोजीशन को रिडीम करना चाहिए क्योंकि उनका वक्त आ गया है? सच तो ये है कि 19th सेंचुरी में पहली बार हिंदू ट्रॉमा का नैरेटिव दुनिया के सामने पेश किया गया, हाउस ऑफ कॉमन्स में डिबेट था और वहां पर सोमनाथ मंदिर की बात उठाई गई थी। इस घटना के पहले अफगान इन्वेजन्स का भी रेफरेंस हुआ था, इंडियन हिस्ट्री में कॉलोनियल ट्विस्ट दिया गया था और इसको रिलीजियस आइडेंटिटी के पर्सपेक्टिव से
देखा जाने लगा। इंडियन नेशनलिस्ट डिस्कोर्स में द आइडिया ऑफ हिंदू सब्जुगेशन मेड इट्स प्रेजेंस फेल्ट इन द लेट 19th सेंचुरी एंड बाय द अर्ली 20th सेंचुरी इट हैड बिकम अ फुल ब्लोन कोडिफाइड डॉक्ट्रिन। इस सोच का इंट्रोडक्शन पश्चिमी भारत में पहले हुआ था और धीरे धीरे ये बाकी जगह फैलता गया, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। इस नैरेटिव में पूरे मेडिवल पीरियड को एक एरा ऑफ परमानेंट कन्फ्रंटेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स के तौर पर पेश किया गया या फिर देखा गया था। नवंबर 1947 में जब सरदार पटेल जूनागढ़ गए थे तो वो इसी थिंकिंग से ड्रिवन थे। उस परसीव हिंदू ह्यूमिलिएशन को अंडू या फिर अनरोंग करने के लिए उन्होंने जब सोमनाथ में एक पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस किया, तब उन्होंने अचानक बगैर किसी को कंसल्ट किए ये ऐलान कर दिया कि सरकार वो मंदिर का पुनर्निर्माण करवाएगी। गौरतलब है कि पटेल ने ये अनाउंसमेंट विदाउट एनी प्रायर कंसल्टेशन किया था, ना उन्होंने प्रधानमंत्री या अपने कैबिनेट कलीग्स को कंसल्ट किया था और ना ही उनके गुरु महात्मा गांधी को। सेकेंडली, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अनाउंसमेंट के तुरंत बाद जो वहाँ असेंबल्ड ऑडियंस थी उनमें से कईयों ने उस पुराने मंदिर की तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। उनको समझाया गया, उनको रोका गया था, तभी सिचुएशन काबू में आई थी। पटेल के यूनिलैटरल डिक्लेरेशन से डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में उनका कितना विश्वास या उनकी कितनी कमिटमेंट थी ये हमको साफ दिखाई देता है। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने गांधी जी से चर्चा की। अनुमति देना तो फेट एकम्प्लाई था। कम्युनल रायट्स के बीच में, माइंड यू 1947 में गांधी जी अलग अलग जगह रायट्स रोकने के लिए घूम रहे थे। नवंबर 1947 में वो दिल्ली आ चुके थे। तब उनको लगा कि अगर जो प्रॉमिस है उसको अगर रोल बैक किया जाए तो और सिचुएशन डेलिकेट हो सकती है। गांधी जी ने बस यही कहा, सरकार को मंदिर नहीं बनाना चाहिए, एक भी पैसा सरकार की तरफ से नहीं दिया जाना चाहिए, इसका निर्माण एक इंडिपेंडेंट बॉडी करे। नेहरू नाखुश थे पटेल के अनाउंसमेंट से, लेकिन वो उनके सीनियर थे इसीलिए उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा और चुप रह गए। गांधी जी बहुत स्टॉन्च हिंदू थे, लेकिन वो मानते थे कि बहुत पॉलिटिकली करेक्ट हिंदू ऐसे हैं जो अनसेल्फ कॉन्शियसली टेंडेड टू इक्वेट बीइंग हिंदू एंड बीइंग इंडियन। एक तरफ तो पटेल जैसे लोग थे और दूसरी तरफ नेहरू जैसे जो फोर्स ऑफ द हिंदू सेंटिमेंट को नहीं रिकग्नाइज करना चाहते थे। गांधी जी बीच में थे इस कॉन्टेक्स्ट में सही पर्सपेक्टिव लेकर, लेकिन उनकी हत्या 2 महीने के बाद ही हो गई और हिंदुस्तान ने इतने अहम मुद्दे पर अपना मार्गदर्शक खो दिया। जनवरी 1949 में सोमनाथ मंदिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए ट्रस्ट स्थापित किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमिटी के सदस्य के एम मुंशी इसके चेयरपर्सन बन गए। टेंपल ट्रस्ट ने भारतीय एम्बेसडर्स को कहा कि जिस भी देश में उनकी पोस्टिंग है वहां के पवित्र नदी और मिट्टी को मंदिर निर्माण के लिए भेजें ताकि उसका इस्तेमाल हो सके। नेहरू के पास कंप्लेंट पहुंची, उन्होंने इसके खिलाफ तुरंत आदेश दिए थे। नेहरू मंदिर निर्माण के समर्थक नहीं थे, परंतु संविधान एक्सेप्ट होने के बाद उन्होंने मुंशी को अपने कैबिनेट में शामिल किया। ये उनकी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को स्थापित या प्रूव करता है। 1951 तक सोमनाथ मंदिर जीर्णोद्धार का बहुत काम हो चुका था।
मूर्ति की स्थापना के लिए सेरेमनी की प्लानिंग हो रही थी। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को आमंत्रित किया गया था, उन्होंने प्रिसाइड करने का इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। नेहरू जी को जब पता चला तब उन्होंने गांधी जी की बात को याद किया कि स्टेट को रिलीजियस प्रमोशन में कभी शामिल नहीं होना चाहिए। नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद को एक खत लिखा, उसमें ये कहा कि आप मत जाइए। उन्होंने लिखा था, आई डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ योर एसोसिएटिंग योरसेल्फ विद द स्पेक्टेकुलर ओपनिंग ऑफ द सोमनाथ टेम्पल। दिस इज नॉट मियरली विजिटिंग अ टेम्पल बट रादर पार्टिसिपेटिंग इन अ सिग्निफिकेंट फंक्शन विच अनफॉर्चुनेटली हैज नंबर ऑफ अदर इम्प्लीकेशंस। प्रसाद नहीं माने, लेकिन वे पूरी तरह से रिलीजियो कल्चरल नेशनलिस्ट नहीं थे। अपने भाषण में उन्होंने इंटरफेथ हार्मनी पर स्ट्रेस दिया। उन्होंने कहा, रिलीजियस इंटॉलरेंस ओनली फॉमेंट्स हेट एंड इमोरल कंडक्ट। डॉक्टर प्रसाद ने कहा, मंदिर पुनर्निर्माण से पुराने घाव नहीं खुलने चाहिए। ये मौका है हर जाति और हर संप्रदाय को साथ साथ कदम उठाकर उन्नति की तरफ प्रगति करें। हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति ने यह भी कहा था कि हर नदी अल्टीमेटली जाकर समुन्दर में ही मिलती है। उसी तरह डिफरेंट रिलीजन्स हेल्प मैन रीच गॉड। आज के हिंदुस्तान में ऑफिशियल डिस्कोर्स बन गया है ये कि इतिहास में हिंदुओं का बहुत सब्जुगेशन हुआ था, लेकिन जो पेन या दर्द खुद महसूस करते हैं वो दूसरों का दर्द या पेन को क्यों नहीं महसूस कर सकते? क्या एक्सप्रेशन ऑफ पेन महज एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बन गई है? Thank you.